हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी ट्रिक में। मैं हूं आपका दोस्त ब्रजेश यादव। आज हम बात करने वाले दोस्तों डेल्टा और उसके प्रकार के बारे में। डेल्टा और उसके प्रकार, डेल्टा कि मतलब डेल्टा क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं और ये कहाँ कहाँ आते हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ भी विराजमान है दोस्तों। तो डेल्टा, डेल्टा की परिभाषा सबसे पहले क्या हुआ था, डेल्टा की परिभाषा। तो डेल्टा किसे कहते हैं, सबसे पहले ये चीज़ जान लेते हैं। तो नदी मुख भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर, मतलब नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर, मतलब नदी के द्वारा जो बहा कर लाया गया अवसाद यानी मिट्टी को लाए गए छोटे छोटे कणों को जब नदी अपने मुहाने पर ला के इकट्ठा करती है, उससे बने अवरोध, मतलब वो जब जमा हो जाते हैं एक अवरोध के रूप में, मतलब उससे आगे पानी नहीं जा सकता, से बनी त्रिभुजाकार आकृति को, त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहते हैं। नदी मुख मतलब नदी के द्वारा बहा के लाए गए मिट्टी को उसके द्वारा जमा किए जाने से जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहते हैं। इसका नामकरण हेरोडोटस को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों, तो हेरोडोटस। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हेरोडोटस, ये परीक्षा में पूछा हुआ है कि डेल्टा का नामकरण किसने किया हुआ है दोस्तों, तो ये हेरोडोटस है, इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो हेरोडोटस को माना जाता है। डेल्टा और उसके प्रकार, तो डेल्टा के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, ये चार प्रकार के होते हैं। डेल्टा जो होता है हमारा, ये चार प्रकार का होता है। चारों प्रकार देख लेते हैं। तो पहला प्रकार हमारा है चापाकार डेल्टा, मतलब चाप के आकार का डेल्टा। तो ये कहाँ है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो गंगा का ब्रह्मपुत्र का डेल्टा स्थापित है वही चापाकार डेल्टा का उदाहरण है दोस्तों। अगला है, दूसरा डेल्टा हमारा है पंजाकार डेल्टा। पंजाकार मतलब पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा, ये मिसिसिपी मिसौरी नदी का है, जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है ये इस पे पंजाकार डेल्टा का निर्माण हुआ है दोस्तों। अगला क्या है, तीसरा ज्वारनद मुखी डेल्टा। ज्वारनद मतलब ज्वार जो आता है उस मुखी, मतलब उस तरह के दोस्तों, उस मुख का बना हुआ, उस आकार का है ये डेल्टा। ये नर्मदा ताप्ती, ये महाराष्ट्र के इस तरफ स्थित है दोस्तों। ज्वारनद मुखी डेल्टा नर्मदा ताप्ती नदियों के डेल्टे को कहा जाता है दोस्तों। अगला है दुमाकृतिक, दुमाकृतिक डेल्टा यानी वृक्षाकार डेल्टा, मतलब वृक्ष के आकार का डेल्टा को, और ये डेल्टा है एब्रो डेल्टा। एब्रो डेल्टा को वृक्षाकार डेल्टा कहा जाता है, मतलब ये उसका उदाहरण है दोस्तों। ज्वारनद मुखी का डेल्टा, चापा का डेल्टा गंगा नदी ब्रह्मपुत्र पर स्थित है, ये उसका उदाहरण है। पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी मिदौरी नदी पर है, और ज्वारनद मुखी डेल्टा नर्मदा ताप्ती नदी पर है, और दुमाकृतिक यानी वृक्षा का डेल्टा एब्रो डेल्टा। ये तो डेल्टा के चार प्रकार हो गए दोस्तों। और डेल्टा के बारे में आपको बताया है कि जो नदी के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी को ही जो अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जमा करने से जो अवरोध उत्पन्न हो जाता है उसे त्रिभुजाकार आकृति को हम डेल्टा कहते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।